सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग जो है भारत में उद्योगों की स्थिति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और छोटा ही वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आप लोग मॉर्निंग में कई बच्चों का पेपर है सुबह की शिफ्ट में, तो मुश्किल से 10-10 मिनट के मैं छोटे छोटे से 3 वीडियो बनाऊँगा जिनमें मैं उद्योगों के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा और आप लोग जो है इसके माध्यम से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, तो एक तो देखिए 7 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं। ये वीडियो आप थोड़ा सा गौर से देखें, उद्योगों की स्थापना की अनुकूल दशाएं। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, देखो इसको इसमें सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स जो है देखने हैं और खुद सोच के भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। जैसे कच्चा माल, आप सिर्फ सोचते रहो, फिर ऊर्जा के साधन, इसके बाद जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा के साधन होता है, फिर परिवहन, फिर जल, फिर जलवायु, ये जो मोटे मोटे चीज़ें हैं, अनुकूल जलवायु और कुशल और सस्ते श्रमिक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उद्योगों की, सारे उद्योगों की स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल यानी पूंजी और बैंकिंग व्यवस्था। देखो यदि बैंकिंग अच्छी होगी, लोन वोन की सुविधा होगी, तो स्थापना करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक मार्केट की ज़रूरत है कि भाई मार्केट होना चाहिए जहाँ हम बाज़ार अच्छा हो, जहाँ हम वस्तुओं और सेवाओं को बेच सकें, और गवर्नमेंट का साथ भी होना चाहिए यानी सरकारी जो नीति है वो इंडस्ट्रियल के थोड़ा सा फेवर में होगी, तो निश्चित तौर पर जो है फ़ायदा होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें डिस्कस करूँगा, देखिए हमारे इसमें सिलेबस के हिसाब से एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये हमारे सिलेबस में है एक्चुअली। तो इसको आपको देखना है कि इसका एक तो विकास कैसे हुआ, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना इसमें कि टिस्को इसको जो वाली जो कंपनियां हैं उनकी स्थापना कब हुई। जैसे टिस्को जो था TISCO, उसको 1907 में बना। फिर इसको जो है इसकी तीन कंपनियां थी, एक तो लेकिन जो बड़ी कंपनी थी इसकी जो दुर्गापुर हीरापुर वाली वो 1908 में, और जो बर्नपुर वाली है वो 1937 में, तो दो कंपनियां ये बन गई। फिर एक मैसूर में एक स्थापना और हुई मिस्को के नाम से, जो 1923 में भद्रावती नदी के तट पर की गई। फिर राउरकेला में हुई। तो इनको सिर्फ आप थोड़ा सा इसको पॉइंट सिर्फ याद करना है, बहुत डिटेल से नहीं। फिर राउरकेला के बाद भिलाई में हुई, भिलाई में 1953 में बनी, और उसके बाद दुर्गापुरा में एक और प्लांट लगा 1962 में। तो ये जो है ना इसका विकास हुआ आयरन एंड स्टील वाले का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद बोकारो में एक प्लांट है, तो अब ये तो हो गया इसके कहाँ कहाँ प्लांट है उसकी बात। अब इसको सिर्फ इतना ही आप लोग पढ़ो। अच्छा, इसकी उद्योगों की जो समस्याएं हैं मोटी मोटी एक दो, वो आप देख लेना, और सिर्फ आयरन एंड स्टील को आप लोग ढंग से पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद वस्त्र उद्योग। अब देखिए वस्त्र उद्योग में एक तो लोकलाइजेशन यानी मतलब क्यों कहाँ कहाँ ये इसकी स्थापना हुई है, वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब सबको पता है कि देखिए एक तो महाराष्ट्र सूरत में पहली फैक्ट्री लगी, इसके बाद महाराष्ट्र में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, ये आप देख सकते हो, गुजरात में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, अहमदाबाद को पूरब का बॉस्टन कहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुजरात में बहुत ज़्यादा कपड़े का वो है, तो एक तो लोकेशन हमें पता करनी है कि कहाँ कहाँ ये है, और इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत है, राजस्थान का भीलवाड़ा बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये ऐसी जगह है कि जहाँ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है। अब सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं आपको ज़रूर पढ़नी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। अब ये समस्याएं मैं आपको सिर्फ बोल करके बता देता हूँ,
क्योंकि इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। तो जो समस्याएं हैं, एक तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो पुराने संयंत्र, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनियां अंग्रेज़ों के टाइम की, तो पुराने संयंत्र या मशीनें, और जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, यानी आधुनिकीकरण का अभाव, आधुनिकीकरण का अभाव, कच्चे माल की कमी रहती है, क्योंकि कई बार जो बड़ा एरिया था सूती वस्त्र वाला वो बांग्लादेश में चला गया, तो कच्चे माल का अभाव, माल का अभाव, श्रमिकों की उत्पादकता कम है, कम उत्पादकता श्रमिकों की, ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा की कमी, और जो सिंथेटिक एक जो है ना, इसमें सहकारी नियंत्रण जो है कुछ ज़्यादा है, सरकारी नियंत्रण ज़्यादा है, उससे भी दिक्कत है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो करों की दर ज़्यादा है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। यदि हम लोग बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और लेकिन इसमें सूती वस्त्र ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी जो ऊनी वस्त्र और जो दूसरे उद्योग हैं वो उतने महंगे नहीं है। इसमें स्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो विदेशों से कपड़े आते हैं लाइलन के, टेरिकोट के, उनसे काफ़ी जो है स्पर्धा रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू कई बार बन जाता है, और ये दिक्कत भी इससे होती है। तो ये जो है मोटे तौर पर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसी के माध्यम से आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जो केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, शायद उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब में तो नहीं पूछा जाना चाहिए, आप थोड़ा सा सीमेंट के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा देख सकते हो सीमेंट उद्योग और सीमेंट की समस्याएं, उसे मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ 10-10 मिनट के छोटे छोटे ही वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा फ़िलहाल बनाना उचित नहीं है, क्योंकि समय भी नहीं है, आप देख भी नहीं पाओगे, तो कोई फ़ायदा उसका रहेगा नहीं। सिलेबस के हिसाब से जितना है उतना आप लोग देख लें, ये बहुत रहेगा, और मेरा भी प्रयास यही है कि उतना ही आपको बता दूँ। इंडस्ट्रियल रीजन जो है एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएगा, अब आपने पढ़ा नहीं हो तो आप थोड़ा सा एक बार देख करके चला जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल रीजन का एग्ज़ाम में आने वाला है, औद्योगिक प्रदेश जिनको कहा जाता है, चाहे वो 7 नंबर में आए चाहे 15 नंबर में, तो किसी भी औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं होती है, मतलब उसमें उद्योगों की प्रधानता होती है, छोटे छोटे केंद्र होते हैं और गांव कम मिलते हैं, परिवहन ज़्यादा होता है ना, ऐसी कुछ विशेषताएं मिलती हैं, लाइट पानी इनकी सुविधाएं होती हैं, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें किसी भी औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएँ अपने आप में होती हैं। अब भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, मैं सिर्फ नाम आपको शो कर देता हूँ, आप इनके नाम जरूर रट लें, मैं किसी आधार पर नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल यानी सामान्य वर्गीकरण में बता रहा हूँ। एक तो कोलकाता हुगली, कोलकाता हुगली, क्योंकि किताब में आपको कई के आधार पर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। राउरकेला, जमशेदपुर और आसनकोल, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, राउरकेला जमशेदपुर झारखंड में है, और आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, तो ये पूरा औद्योगिक कॉरिडोर बन जाता है। भिलाई जबलपुर बिलासपुर, देखिए ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एरिया आ गया, भिलाई जबलपुर और बिलासपुर, ये एक अलग रीजन हो गया, तो ये जो है ना आपको याद भी करने हैं। फिर ये मुंबई वाला एरिया आ गया, मुंबई पुणे और सोलापुर, ये सब कुछ महाराष्ट्र में आ गया। इसके बाद यदि और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो अहमदाबाद बड़ौदा, अहमदाबाद बड़ौदा और गुजरात, ये गुजरात वाला एरिया आ गया। फिर दिल्ली गाजियाबाद आ गया, दिल्ली गाजियाबाद, अब ये बड़े क्षेत्र हैं, देखो अमृतसर अम्बाला जहाँ क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत फेमस है, मदुरे कोयम्बटूर है, चेन्नई में मंगलूर है, अब इसके बाद असम दार्जिलिंग बिहार, ये छोटी छोटी सी जगह हैं, इनको आप लोग अलग से चाहो तो लिख लेना, जैसे असम की घाटी है, दार्जिलिंग है, बिहार है, इंदौर उज्जैन नागपुर धारवाड़ बेलगांव, मतलब जो आपको याद रहे उतने,
तो मेजर तो जो मैंने लिखाए हैं वो 9 है, और इसके बाद 5-7 लघु और है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स, बस इतना लिख देना तो ये 7 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो आप लोगों की इस वाली यूनिट में से हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपकी 5वीं यूनिट के ऊपर डिस्कस करूंगा, और लगभग सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं हल्का हल्का सा डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका पेपर पूरा हो जाए। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक।